69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आज लखनऊ में शिक्षकों का चौथा दिन है और लगातार जो है ये शिक्षक अपना धरने पर बैठे हुए हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखाएं कि ये पहले जो शिक्षक हैं वो निषादगंज के शिक्षा निदेशालय पे बैठे हुए थे, लेकिन अब जो ये तमाम शिक्षक हैं वो लखनऊ के धरना स्थल इको गार्डन में बैठे हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो देखिए कहीं ना कहीं अपनी नौकरी की आस को लेकर लगातार जो है वो बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो अधिकारियों से और सरकार से इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि उनकी बहाली जो है वो जल्द से जल्द किया जाए और उनको न्याय मिल पाए। सर, कब से बैठे हुए हैं और कब तक बैठे रहेंगे ऐसे ही आप लोग? हमारा संघर्ष तो पिछले 6 साल से चल रहा है, लेकिन हम लोग इससे चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले 650 दिन लगातार धरने पे बैठे रहे, और अब चुनाव के बाद आज हम लोगों का चौथा दिन है और ये संघर्ष नियुक्ति मिलने तक जारी रहेगा। और माननीय संदीप सिंह से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप बाबूजी के श्रद्धांजलि पे हिंदू गौरव दिवस मना रहे हैं, लेकिन क्या ये 6800 पिछड़े दलित जो आज यहाँ संघर्ष कर रहे हैं पिछले 6 साल से, वो क्या हिंदू नहीं है? उनका गौरव नहीं है क्या? उनका गौरव यहीं बचा है कि वो लोग इको गार्डन में धरना दें? तो उनसे मेरा ये सवाल है, अगर आप मानते हैं, बाबूजी को मानते हैं कि वो हमारे आरक्षण के और हम पिछड़े दलितों के मसीहा थे, तो हम लोगों को न्याय जितनी जल्द से जल्द हो सके न्याय दिलवा दीजिए, क्योंकि हिंदू गौरव दिवस मनाने और लखनऊ से लेकर एटा अलीगढ़ तक पोस्टर लगा देने से बाबूजी का उनको श्रद्धांजलि नहीं मिल सकती है और ना ही उनकी आत्मा तृप्त हो सकती है। जब तक कि पिछड़े दलितों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। और इस चीज़ को माननीय शिक्षा मंत्री जी को समझना पड़ेगा कि हमारे समाज के लोग आज रोड पे हैं और इनको जितना जल्दी से जल्दी हो सके माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके, अधिकारियों से बैठ के और न्याय दिलाने का काम करें, तभी बाबूजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो ये कहीं ना कहीं न्याय की बात कर रहे हैं और लगातार बैठे हुए हैं। हाँ सर, बड़ा मौसम भी सख्त है, गर्मी भी है, बरसात भी हो रही है, आप लोग लगातार यहाँ पे बैठे हैं, क्या कुछ कब तक आप लोग का ऐसे ही धरना जारी रहेगा? अब देखिए, हम लोगों का लक्ष्य नियुक्ति पत्र है और मौसम जो है हम लोग के आगे आड़े नहीं आ सकता, क्योंकि हम लोग कमेरावादी लोग हैं। हम लोग ठंडी गर्मी बरसात सब झेलने वाले लोग हैं। हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक हम लोग नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता। और एक चीज़ बता दे, सुप्रीम नहीं, ये डबल बेंच हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, इसको सरकार तत्काल लागू करे और नियुक्ति पत्र दे। मुझे इन अधिकारियों भरोसा नहीं है, ये लोग इसको लंबा खींचना चाहते हैं ताकि कोई व्यक्ति जाए सुप्रीम कोर्ट में और उस मैटर को लंबित कर दे और इनको नौकरी ना देना पड़े। क्यों? क्योंकि दलित पिछड़ों के कभी नौकरी देना ही नहीं चाहते, इसलिए ये हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। अब ऑर्डर आए, आज करीब 1 हफ्ते होने वाला है, जो काम 3 घंटे में हो सकता है, 3 दिन में हो सकता है, उसको 3 महीने के लिए क्यों इंतजार कर रहे हैं? आज ये देखिए, अभ्यर्थियों कहना है जो काम 3 दिन में हो, 3 घंटे में हो सकता है, उसमें इतना वक्त क्यों लग रहा है? आप कहाँ से आई हैं, क्या कुछ? मेरा नाम एकता है, मैं जौनपुर से बिलोंग करती हूँ। और देखिए, हमारी लड़ाई जो है वो सरकार से कतई नहीं है, हमारी लड़ाई है जो अंदर बैठे भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिनकी वजह से आज हम बाहर बैठे हैं। अगर उन्होंने हमें नियुक्ति दे दी होती, सगुणांक के साथ में हमारे नाम की जो सूची है, मदर लिस्ट है, वो अगर जारी हो गई होती, तो आज हम अंदर होते, हम भर्ती में इन होते, 4 साल से हम भी कार्यरत होते, अपनी सैलरी पर होते। लेकिन क्योंकि ये भ्रष्ट अधिकारी हैं, ये हमेशा से हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार करते आए हैं। कल भी जो हमारा प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ पे जनरल के बच्चे आए थे और जो पिछड़े दलित के समाज के बच्चे थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा वहाँ पे भेदभाव किया जा रहा था। जो है जनरल को बच्चों को प्रायोरिटीज दी जा रही थी, अलग ही तरीके से उनको ट्रीटमेंट मिल रही थी, उनकी जो है वरीयता जो दी जा रही थी वो एक अलग ही लेवल की थी। और पिछड़े दलित जो वहाँ पे से धरना करते हैं, स्पेशली गर्ल्स की मैं बात कर रही हूँ, जिन्हें नाइट में वहाँ पे से उठा दिया जाता है। क्यों उठा दिया जाता है? क्योंकि वो गर्ल्स हैं, अगर वो वहाँ पे बैठेंगे तो वो सुरक्षित नहीं है। जहाँ पे योगी सरकार कहती है कि बहन बेटियाँ उनके समाज में, एटलीस्ट यूपी में, सड़कों पे सुरक्षित है, वहीं पे इनके शिक्षा निदेशालय में लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो रात के 12:30 बजे वहाँ से हमें भगा देते हैं। और ये कह के, क्योंकि आप यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। अब आप हमें बताइए कि योगी की सरकार में लड़कियाँ जहाँ पे सड़क पे सुरक्षित है, आपके शिक्षा निदेशालय में सुरक्षित नहीं है? हमारी लड़ाई जो कहीं ना कहीं बड़ी नाराजगी भी है। आप भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, क्या कुछ मांगे हैं, कहाँ से आई हैं आप?
मेरा नाम अनु पटेल, मैं मिर्जापुर जिले से आई हूँ। मेरी अब एक ही मांग है, जिस 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला की बात होती थी तो ये सरकार कहती थी नहीं, ये पारदर्शी तरीके से शिक्षक भर्ती हुई, कोई घोटाला नहीं हुआ। लेकिन अब तो जग जाहिर हो गया कि नहीं, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है और बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। अब तो पिछड़ा आयोग ने भी मान लिया, उसका भी रिपोर्ट है, डबल बेंच का आर्डर भी है और स्वयं योगी जी ने मान लिया, मीटिंग भी की, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने मान लिया और आर्डर का स्वागत भी कर रहे हैं। तो अब देरी क्यों की जा रही है? अब तो जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान होना चाहिए, जिनका हित हुआ है उनके साथ हित होना चाहिए। रही बात जो बाहर हो रहे हैं उनके लिए अभी समय है, मार्च तक का, नए सेशन तक का, तो उनके लिए अपना पॉलिसी वगैरह बनाते रहेंगे, अभी मार्च तक का टाइम है उनके पास। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, हमें तो 6 साल पहले विद्यालय में होना चाहिए था, लेकिन हम 6 साल से लखनऊ की सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। तो ये संघर्ष का विराम होना चाहिए, जल्द से जल्द एक नई सूची तैयार करनी चाहिए, जितने बच्चे उसमें ओबीसी के के अंदर हो रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दी जाए और उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसका अंत हो, अन्याय हो उनके साथ। तमाम अभ्यर्थी जो है देखिए अपने हाथों में बाकायदा पोस्टर लेके बैठे हुए हैं, पिछड़े और दलितों के आरक्षण पर नेता मौन क्यों हैं, ये इन अभ्यर्थियों का कहना है। ये बताइए कब तक ऐसे ही पोस्टर लेके बैठे रहेंगे? 4 दिन हो गए, बड़ा सख्त मौसम भी है, बरसात भी है, धूप भी है, गर्मी है, कब तक बैठे रहेंगे? सर मेरा नाम अंजनी मौर्य है, सर मैं अंबेडकर नगर से आई हूँ। सर जब तक हम लोगों की नियुक्ति नहीं मिल जाती तब तक हम लोग यहीं रहेंगे, क्योंकि सर हम लोगों ने 4 साल से यहाँ संघर्ष किया है लखनऊ में। सर जल्द से जल्द हमारे सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि सर हम लोगों जल्दी से नियुक्ति पत्र दे, हम लोग अपने विद्यालय में जाएं। आप कहाँ से आई? मैं कानपुर से आई हूँ, मेरा नाम नीतू सिंह है। मैं सरकार से बस यही अपील करना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारी संशोधित सूची जारी कर दी जाए और हमें विद्यालय में भेज दिया जाए, क्योंकि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, हम बिना गलती के 4 साल से भटक रहे हैं। तो हमें अब कम से कम अब तो सरकार को रहम आ जाना चाहिए और सरकार को नियुक्ति दे देनी चाहिए। देखिए एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं इस धरना स्थल की, कि एक बच्चा भी है जो है कि सर हम लोग जल्दी से नियुक्ति पत्र दे, हम लोग अपने विद्यालय में जाएं। आप कहां से आई? मैं कानपुर से आई हूं, मेरा नाम नीतू सिंह है। मैं सरकार से बस यही अपील करना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारी संशोधित सूची जारी कर दी जाए और हमें विद्यालय में भेज दिया जाए, क्योंकि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, हम बिना गलती के 4 साल से भटक रहे हैं। तो हमें अब कम से कम अब तो सरकार को रहम आ जाना चाहिए और सरकार को नियुक्ति दे देनी चाहिए। देखिए एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं इस धरना स्थल की, कि एक बच्चा भी है जो कह सकते हैं कि बिना किसी वजह के धरने पर बैठने को मजबूर है। एक बच्चा है मासूम, क्या नाम है इस बच्चे का? आप बच्चे को भी धरने बैठाए हुए? हाँ सर, हम इसका नाम शानवी पाल है, मेरा नाम प्रतिमा पाल है, अम्बेडकर नगर से हैं और हम इतने मजबूर हैं कि बच्चे ले को इतनी गर्मी में, इतनी बारिश में सब कुछ लेके यहाँ सहन कर रहे हैं। और वहाँ हम लोग SCRD पे गए थे, वहाँ से हम लोग को सेंट्रल जेल के जैसे गाड़ी में खींच के यहाँ पे पहुँचा दिया गया है। और देखिए हमारा बच्चा कितना हमको परेशान कर रहा है और हम इसको लेके कैसे कैसे कहना चाहते हैं कि हमारी नियुक्ति पत्र हमको जल्दी दी जाए और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो अभी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती कब तक बैठी रहेंगे? जब तक हमको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा तब तक हम यहीं पे। तो बच्चे को लेके बैठती हैं, माँ की ममता भी बहुत कुछ होती है, जब इस तरीके से क्या गुजरती है आप लोगों के ऊपर? अब लोगों को तो ये अब क्या बताएं सर, हम लोग ऐसे गुजर रहा है जैसे काट रहे हैं, अब क्या बताया जाए, कैसे कैसे हम लोग काट रहे हैं। देखिए हमारा बच्चा कितना रो रहा है, हम ऐसे लेके आज 4 साल से यहीं पे इको गार्डन में ही है। जब आप लोग धरना देने के लिए आती हैं घर परिवार वाले क्या कहते हैं कि कब आखिर आप लोग को इंसाफ? हम लोग कितना सुनते हैं, घर का सुनते हैं, गांव वालों का सुनते हैं, पूरे परिवार का सुनते हैं और एक बच्चा हम छोड़ के घर पे आए हैं। तमाम देखिए जो 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनमें ये आस्क इस बात की है कि कब उनको इंसाफ मिलेगा, कब नई जो मेरिट सूची है जो कोर्ट के मुताबिक जो बनाने के लिए कहा गया है वो बनेगी और कब जो है इनका जो धरना है वो यहाँ पर समाप्त होगा और ये अपने घर जा पाएंगे।